तो है गाइज, काम के चक्कर पे सुबह ब्लॉग बनाना भूल ही गया था। तो अब जो टाइम बज रहा है 9:10 हो रहा है, तो मैं छत पे हूँ। तो आप देख ही सकते हो कि अभी मैं छत पे हूँ। सो गाइज, अभी मेरा जो मिशन है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा इलेक्ट्रिक का तार है, तो इसके ऊपर यहाँ पर एक मतलब इसे क्या बोलते हैं पता नहीं, तो वो तो उसे हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे तो नाम वगैरह वगैरह पता नहीं, तो मुझे अभी उसे निकालना पड़ेगा। तो वो बहुत वजनदार हो जाता है, क्योंकि वो वजन होने के बाद इसका जो इलेक्ट्रिक का जो तार है तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कभी भी टूट सकता है। तो इसलिए तो उसे मैं अभी थोड़ा सा हल्का कर दूंगा, काल ये सारा का सारा निकल जाएगा। तो वीडियो पर कंटिन्यू रहिए। सो दोस्तों, अभी मेरा मिशन जो है तो वो मतलब उसे क्लियर करना है। ठीक है, तो अभी देखो मैं एजबेस्ट का जो, तो हमारा एजबेस्ट से मैं आ चुका हूँ। तो अभी रुकिए, मैं जाता हूँ भाई नीचे नीचे। तो अगर इससे इधर से हो पाएगा तो कर लूँगा। देखिए ये वाला फ्रूट है, तो आप देख ही सकते हो कि ये वाला फ्रूट है। दोस्तों अभी मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर से नहीं हो पाएगा। सो गाइज, अब मैं ले आया कटोरी, तो इससे मैं कट करूँगा। ठीक है, तो अभी देखिए, तो मैं जा रहा हूँ कट करने के लिए। तो यहीं से नीचे उतरना पड़ेगा, देखिए तो नीचे जाना पड़ेगा। तारा जो सेठू सीधा रूप पड़े तारा फार छिड़ी जीव। दोस्तों जो काम था खत्म करके मैंने गया था दुर्गा मंडप पूजा करने के लिए। तो आज दुर्गा अष्टमी है, तो मैं लौटने के समय पे इतना ज्यादा बारिश हुआ भाई, मैं 2 घंटा भीगता रहा। तो सो गाइज, आज दिन भर इतना ज़्यादा बारिश हुआ, तो मैं जब आया था तो पूरा भीगा हुआ था। तब से इतना बारिश हो रहा है भाई, रुकने का नाम नहीं है। ना मैं किधर जा पा रहा हूँ, ना किधर से जाके ब्लॉग शूट कर पा रहा हूँ। तो मैं दिन भर इधर घर पे रहा हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन के अंदर चार्ज भी नहीं था। तो चार्जिंग करने के बाद जो टाइम हुआ, तो अभी अभी मैं फ़ोन निकाल के ब्लॉग कर रहा हूँ। तो अभी तो ख़त्म कर देंगे, तो बाद में कल देखेंगे। कल अगर मेरे साथ अच्छा होगा तो मैं आपको पूरा कुछ जो सीन है वो दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए, आज का जो ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कल मिलेंगे दोबारा, फिर से आपके साथ मुलाकात होगा। चलिए अभी ई ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। 9:52 हो रहा है, तो मेरा बहुत सारा काम भी बाकी है, तो उसे कंप्लीट करना है।